से आदमी है तो, और ये नहीं है किससे घृणा करते हैं, बहुत सबको एक समान समझते हैं। कुश्ती की परंपरा तभी तो लेकर आए हैं ये यहाँ, ये आदमी बहुत बढ़िया कोच आए हैं। मुझे कभी पता भी नहीं चलता गुरुजी बहुत बढ़िया हैं, इनकी वजह से बहुत बढ़िया पहलवान भी है, बढ़िया कोच है। और देखो जी इस अखाड़े को भी ये ऐसा ही समझो नेहरू स्टेडियम, और हम भी ऐसा ही समझते हैं। जो कोई वो निकलती है फोन पे बता दें सबको, ये फोन पे बता दें। मैं कोच साहब से उम्मीद करूंगा कि वो इस बच्चे को भी सिखाएंगे मैट पर थोड़ा कुछ आगे, यहाँ नहीं तो कुछ थोड़ा वहाँ से, हालांकि बहुत दूर है यहाँ से। अभी ये तो कम से 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर कहाँ जाए, 35 किलोमीटर है बच्चे के लिए। लेकिन भेजेंगे ऐसा, दिल्ली भेजने का इरादा है। अच्छा, दिल्ली भेजेंगे। तो पहलवानी में ऐसा भी होता है, आप गुरुजी देखिए है नहीं सुविधा इनके पास, बच्चा अच्छा निकल गया है, आप कहाँ ले जाएं बच्चे को, ये सवाल गुरुजी के सामने खड़ा है। तो ये परेशानी में है कि आप इस बच्चे का क्या होगा, इस बच्चे को उन्होंने तैयार तो कर दिया। गाँव में तो इससे बढ़िया पहलवान निकल जाए अगर सुविधा हो, यहाँ तो कोई सुविधा ही नहीं। अगर गाँव में सुविधा हो जाए तो पहलवान, यहाँ दिल्ली वालों तो बढ़िया निकल जाए अगर पूरी सुविधा हो तो, जैसा उन्हें खाने को मिल गया, उन्हें सुविधा, यहाँ तो घर में काम भी करेंगे। हम लड़ा देंगे दिल्ली वाले इसके बेच के, समझो जिले में जितने पहलवान निकल रहे गाँव के तो निकल रहे हैं, गाँव के ही पहलवान। हमारे समय में संजय जैन होता था पहलवान शहर का, एक लालू जैन साहब बनिया, हाँ उसे बहुत कम सुने पहले। मेरी कुश्ती हुई 14 मिनट मेरी कुश्ती हुई उसके अंदर उसके साथ में, बराबर हुई समझे जी। एक हमारे गर्ग साहब ने चैलेंज दिया था, वो भी अच्छे पहलवान रहे गर्ग जी। हाँ अच्छा, तो गांव से निकलता पहलवान, शहर में कहाँ पहलवान रखे। पहलवान निकलता है गांव से, गाँव के बच्चे मजबूत होते हैं, खूब दौड़ धूप करते हैं, खुला वातावरण होता है, खाते पीते यहाँ वैसे खाने को, दौड़ने के लिए तो बहुत बढ़िया। यहाँ आप बरसात में गड़बड़ होगी और यहाँ खूब अच्छा वो है, हिसाब में तो गड़बड़ नहीं कराते हैं, जिले की पहलवानी खत्म हो जाती है। मैं ना कराता तो ये नेहरू स्टेडियम वाले किससे लड़ते स्टेडियम वालों के, इसी अखाड़े वालों से पहलवानी हो रही है और कोई नहीं पकड़े, पहलवानी नहीं हो पाती नेहरू स्टेडियम में भी अपना अपन खत्म हो जाती है। जिले में कुश्ती है नहीं क्या, सुनो पिछले साल दंगल लगा था, ये भी हमारे शिष्य हैं, मेरा शिष्य है। सुनो बहनी के अखाड़ों की और हमारे अखाड़ों की बजो, फिर बहुत देर तक स्वामी पहलवान कहीं और है नहीं करो क्या, बस सुविधा तो नहीं है इतनी, अगर मशीन का नेट का सब होते तो बहुत अच्छे अच्छे लड़के निकल जाते। क्या मिनिमम आपको चाहिए, ऐसे कोई गद्दे चाहिए। अच्छा, हमें गद्दे मिल जाए पानी का, लेकिन गद्दे कहाँ बिछाओगे यहाँ तो कुछ मैंने कहीं ना कहीं कर ही लेंगे उसका। अच्छा, तो हम कर लेंगे मकान में डाल लेंगे कहीं। अच्छा हाँ, तो अगर आपको गद्दे मिले तो मिल जाए, अगर कहीं सरकारी जमीन पड़ी है गद्दे कहाँ डाल लेंगे, मिनी स्टेडियम नांगल में बनना चाहिए, बनना चाहिए मिनी स्टेडियम बन जाए बेकार। ठीक है सुनियो, उसमें ही मकान में डाल लेंगे तो हमारे में डाल लेंगे तो दिक्कत, वो सभी के लिए नांगल में करा दो, यहाँ जगह है पड़ी है, जगह तो मिनी स्टेडियम बन जाए। तो गांव के लोग देने को तैयार है जगह, हाँ हाँ दिवा देंगे जगह, गांव के लोग देने को तैयार है। जगह की बहुत बड़ी समस्या होती है, तो जगह यहाँ पर गांव के लोग कहते हैं बहुत जगह, यहाँ पर एक स्टेडियम बन सकता है, तो जगह देने को तैयार है, जमीन पूरी उपलब्ध है, उसमें सिर्फ बनाना है और एक मैट बड़ा 3.5 बीघे एक मैट है खिलाड़ियों के। अगर ये जगह जब गांव वाले दे रहे थे, हाँ वो खिलाड़ियों के लिए पड़ी हुई है। तो देखिए गांव से एक दूसरे हमारे भद्रजन बड़े दोस्त है, मित्र हैं, वो कहते हैं 3.5 बीघा तो वैसे पड़ी हुई है युवक मंगल, यहाँ कई बीघे पड़ी इनके गांव के, जहाँ रामलीला हो यहाँ 22 बीघे जमीन पड़ी है, 22 बीघा जमीन उपलब्ध है। तो एक छोटा सा कमरा बना के उसमें मैट डालना था तो इन बच्चों का भविष्य तो बन जाता। तो चलिए आगे गुरुजी से पूछते हैं, चलिए गुरुजी ये तो सुविधाओं का मतलब, यहाँ सुविधाओं की तो बात ही क्या करनी, अभाव ही अभाव है यहाँ, अभाव ही अभाव है पूरे भारत में ही खिलाड़ियों की सुविधा नहीं है, जो सबसे गरीब अखाड़ा है और इंडिया। लेकिन इसे कहेंगे कि बहुत तूफान में दिया जलता रहा। हाँ जी हाँ, गुरुजी ऐसे ही तूफान में दिया जलता रहा। हाँ जी, जो लड़के जिला के इसरी रहे हैं यहाँ, उन्हें 1 रुपया नहीं मिल रहा, अपने पास बन रहे, अपने डाइट बहुत जरूरी है किसान के लिए, छोटे और छोटे पहलवान के लिए मिल जाए तो बड़ों को नहीं, किसान के बच्चे हैं तो क्या डाइट होती है गुरुजी यहाँ पर बच्चों की। जी बादाम चाहिए, दूध चाहिए, घी चाहिए, फल चाहिए, वैसे तो शाकाहारी होना चाहिए पहलवान, पर आजकल तो
मीट भी चल जा। हाँ। दूध घी बादाम कम से कम 10-15 हज़ार रुपए महीने चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए। ऐसा कोई पहलवान है जिसके 10-15 हज़ार रुपए आमदनी? अरे कहाँ है, यहाँ तो सारे बेचारे भी तो नए नए साबुन भी ना मिल रही नहाने के लिए। बाजे बाजे इतना गरीब है यहाँ, साबुन भी ना मिल रही है। ऐसा कहीं यो भी ना पुलिस में भी वाले ले लें, जिला के जो पुलिस वाले भी ले लें, राहुल कितनी बढ़िया हाइकर। देखिए हमारे पहलवानों के लिए गुरुजी बोल रहे कि देखिए कोई पहलवान ऐसा नहीं जिसकी आमदनी हो, उसके घर वाले उसे खिला रहे हैं। और पहलवान बनने में बहुत समय लगता है गुरुजी? हाँ समय तो लगा ही है, तो बहुत साल तक जब खिलाते खिलाते माँ बाप तक एक साल में थोड़ा बन जाए पहलवान, टाइम तो लगा जाए। तो एमए करने में 15-16 साल लगते हैं, ऐसे पहलवानी में कम से कम 10 वर्ष तो लगेंगे। तो जब जब बहुत समय तक खिलाना पड़ता है माँ बाप को बच्चे को, तो वो भी तंग आ जाते हैं, नौकरी कर या कुछ काम कर, वहाँ पर प्रतिभाएं खत्म हो जाती हैं। तो क्यों प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं? ये गुरुजी ने बताया आज कि आमदनी किसी पहलवान के पास है नहीं, खाना उसे बहुत खाना है, दूध भी है, घी भी है, बादाम भी है, रोटी सब्जी है, कोई लोग मीट मच्छी मुर्गा भी है। हाँ जी सभी चीज़ है। तो ये नहीं मिल, ये बहुत देर तक नहीं सस्टेन हो पाता, और उसके बाद वो प्रतिभाएं धीरे 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 दूसरे फील्ड में चली जाती है और उनकी पहलवानी खत्म हो जाती है। उन बहुत सारे बच्चे गुरुजी, कितने बच्चे आपने अब तक सिखा दिए होंगे? और जी मैंने तो बहुत सिखा दिए यार ही ना, मतलब फिर भी एक बार लगभग अंदाजा 500-600 पहलवान, 600 पहलवान गुरुजी ने बनाए अभी तक लगभग, दूर दूर नजवा तक के आए हैं, सीनी नजवा तक। 600 पहलवानों में जरूर प्रतिभाएं बहुत रही होंगी, ऐसी बात जब कुछ सुविधा नहीं है, कहीं जा नहीं सकते। यो मनोज हरजेंद्र को भी इसे मारा एक बार, जो ये जिला मार रहे हैं हम सुन लो, और साहब राजीव जो जिला के सभी इसने मारा दो बार। 600 पहलवानों में से एक मनोज भाई भी है, यहाँ पर आएंगे आप? ये बढ़िया पहलवान था, बहुत बढ़िया बढ़िया पहलवान रहे हमारे मनोज भाई। थोड़ा सा मनोज भाई बताइए, आप कहाँ कौन से गांव से कहाँ से हैं? नांगल सोती से। नांगल सोती से ही हैं, पहलवानों का गांव है लगता है ये नांगल सोती, बहुत पहलवान है इसमें। तो ये कब कब कितने समय आपने पहलवानी करी? 95 से शुरू करी थी। अच्छा, और 99 तक, मतलब 10 साल करीब, 7-8 साल पहलवानी करी आपने, तो अच्छे हो गए थे पहलवान। आप किस किस से लड़े आप? काफी, हाँ जिला इस पर बिजनौर कुमार पर लड़ा, फिर बिजनौर केसरी पर लड़ा। अच्छा बिजनौर कुमार, बिजनौर केसरी, मतलब जो अच्छे टाइटल है यहाँ पर लड़ा बढ़िया। 97 में मैं बिजनौर कुमार बना था। अच्छा बिजनौर कुमार बने, तो मतलब उससे आपके जीवन में कुछ फर्क आया, उससे कुछ मतलब आपको कुछ फायदा हुआ उससे? क्या शरीर बन गया भावर का पास पहलवान है, निकले हैं यदि सुविधा मिलती तो ऊपर निकल जाते। चंदोसी के दिलशाद पहलवान से कुश्ती हुई, अच्छा पहलवान, 10 मिनट कुश्ती हुई है, उसके बाद बराबर रही नजीमाबाद में। नजीमाबाद का बड़ा जिक्र आता है, वहाँ पे अखाड़ा था, लेकिन अब वो परंपरा नहीं रही, शायद वहाँ पर गुरुजी जैसा कोई आदमी नहीं रहा, बिट्टू लड़का जो तूफान में दिया जला सके। तो ये 600 बच्चे जिनकी बात गुरुजी कह रहे थे, उनमें से एक बच्चे थे, इन्होंने अच्छी कुश्तियाँ लड़ी, कोई सपोर्ट नहीं मिली, कोई फायदा नहीं हुआ, फिर ये अब दूसरे गाँव पर चले गए। और ऐसे मतलब एक प्रतिभा ऐसे दम तोड़ देती है, तो मलाल रहता होगा कुछ के कुछ छोड़ नहीं पड़ा, फिर और क्या करा आदमी, और क्या करा, कोई रेता ढो रहा, कोई बेचारा मजदूरी कर रहा, क्या करा, कोई है ऐसा जो रेता ढोने वाला? हाँ है एक लौंडा जे आया, है नहीं तो मतलब खैर बच्चे पढ़े लिखे भी है, लेकिन पहलवानी से कुछ हासिल नहीं हुआ, तो अब मजदूरी करके रेता ढोकर काम चला रहे। ये रेता ढोना क्या होता है? ये जो खनन जो होता है, अच्छा जैसे रेत बिल्डिंगों में लगा है, अच्छा बजरी लगती है, वो बेचारा, अच्छा वो रेता ढूंढेगा, डूबा सुनो बुग्गी से रेता ले रहे। देखो ये ऐसे ऐसे बच्चे, अब नए बच्चे हैं इस अखाड़े पहलवान है, बात कर रहे हैं ये बच्चे, मतलब ये कई तीसरी चौथी पीढ़ी में अब जो गुरुजी के शिष्य हैं ये बच्चे। तो क्या नाम है बेटा? आयुष इस बच्चे का नाम है, और आपका नाम बेटा? प्रांजल कुमार। प्रांजल कुमार, अब के नए पहलवान पढ़े लिखे हैं और प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज आयुष कुमार। आज पढ़े लिखे पहलवानों की नई जो है पीढ़ी आ चुकी है, और वो ये पहलवान है। तो बेटा आपको अच्छी लगती है पहलवानी? करोगे पहलवानी? इसी अखाड़े में जोर करते हैं, मिट्टी में कर रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया बेटे, और साथ में पढ़ाई भी करते हो, तुम भी आ जाओ। फेसबुक चल देखते हो, यूट्यूब का भी देखते हो? चलो कोई बात नहीं, लेकिन देखना कुश्ती रेसलिंग, उसमें मेरा चैनल है, ठीक है? उसमें गुरु जी ने दिखाओ, ये बहुत गरीब है बेचारे, बेचारे मजदूरी करते हैं रेसलिंग। अच्छा ना, वो तो देखो वो कोई, हाँ डीडी स्पोर्ट्स, ना ना मेरा इंटरनेट पे गुरु जी। अच्छा इंटरनेट, अभी दिखाता हूँ आपको। समझे भाई साहब, ये बिल्कुल मजदूरी करते हैं, बहुत गरीब घर से हैं दोनों। थैंक यू। प्रतियोगिता में कुछ गरीब पहलवान भी है गुरु जी के पास, गरीब बच्चे बेचारे मजदूरी करते हैं। ये है मजदूरी बच्चे हमारे, इसी वर्ष आए, इसी वर्ष आए, इसी वर्ष आए, इसी साल ये गुरु जी के शिष्य बने। नहीं भर्ती, नहीं भर्ती इनको गुरु जी ने कहा है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? गौतम कश्यप। गौतम कश्यप, और आपका नाम बेटा? अभिषेक कश्यप। अभिषेक कश्यप, तो किसने बताया आपको कि पहलवानी करनी है? किसने बताया पहलवानी करनी है? यहाँ पहलवानों को देखकर आपको शौक हो गया? अच्छा, कहाँ रहते हो आप? नांगल, नांगल सोती में। क्या काम करते हो बच्चे आप? पढ़ते हो कहाँ से, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अच्छा, और आप दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हो, तो आपको तो कुश्ती का शौक लगा। आपके माँ बाप से पूछा आपने कि पहलवानी करनी है? तो वो